रोज़ा रखना नाजायज़ और हराम है उस शख्स के लिए जो रोज़ा रखने की वजह से ज़रर में पहुंच रहा हो, उसे रोज़ा तोड़ देना ज़रूरी है, रोज़ा तोड़ देना उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ख़बर पहुंची, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़र फ़रा रजुलन क़द इज्तमा अन्नास अलैह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सफ़र में थे और आपने देखा कि लोग एक शख्स के पास इकट्ठे हैं। फ़रा रजुलन क़द इज्तमा अन्नास अलैह वक़द ज़ुल्लिला अलैह, और लोगों ने उसके ऊपर साया किया हुआ है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिनल बिर अस्सियाम फ़ी सफ़र, तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रास्ते में सफ़र में रोज़ा रखना ये नेकी नहीं है। रास्ते में जब ये सिचुएशन हो कि इंसान उसकी वजह से ज़रर में दाखिल हो रहा हो, नुकसान उसको पहुंच रहा है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है और वो गिर चुका है, निढाल हो चुका है, और लोग उसकी मदद के लिए इकट्ठे होकर के और उस पर साया किए हुए हैं कि किसी तरीके हो सकता है बेहोश हो गया हो, क्या कैफियत उनके ऊपर तारी हुई है जिसकी बुनियाद पर लोग उनके ऊपर साया करके और उन्हें उस तकलीफ़ से निकालना चाहते हैं जिसमें वाक़ हो चुके थे। ये मंज़र देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, लैसा मिनल बिर अस्सियाम फिस सफर। और उन्हीं की रिवायत है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और अल्फाज थोड़ा सा इससे चेंज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुराए गमीम में पहुँचे और लोग रोज़े से थे तो आपने एक प्याला पानी तलब किया और उसे दिखा करके आपने पानी पी लिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर आई, इन बाद अन्नास क़द सौम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये सब कुछ किया और रोज़ा आपने दिखा करके तोड़ दिया, प्याला मंगाया और पानी पिया, लोगों ने देखा आपने तोड़ दिया, इसके बावजूद भी कुछ लोग रोज़े से हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उलाइकल उसात, ये नाफरमान लोग हैं, ये नाफरमान लोग हैं। ये सारी रिवायतें सही मुस्लिम की हैं, जो अभी मैंने सब पेश की हैं सब सही मुस्लिम की रिवायतें हैं। तो इससे मालूम हुआ नाफरमान मासियत कर, मासियत का मतलब नेकी, मासियत माने गुनाह, रोज़ा रखें और गुनाह पाएं अच्छा काम है, तो ये नेकी नहीं है यानी गुनाह है, ये मतलब होगा इसका। पहली रिवायत में था ये नेकी नहीं है और इस रिवायत में है कि ये गुनाह है, तो ये काम करना जिसे हम रोज़ा कहते हैं, ज़रर अगर इंसान को पहुंच रहा है उस रोज़े की वजह से, तो नेकी नहीं बल्कि वो गुनाह का अमल है, यानी हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो इंसान ऐसी हालत में रोज़ा रखे।